तो हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइज, आज मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। सो गाइज, ये मेरा पहला प्रमोशन वीडियो है, सिर्फ आपके वजह से ये संभव हो पाया है। तो आज हम आ चुके हैं लस्सी अड्डा, जो कि रॉयल दरबार के जस्ट सामने है। और ये गाइज कचहरी रोड में स्थित है। आप सोच रहे होंगे कि ठंड में लस्सी, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ पे लस्सी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। सो लेट्स गो। आ चुके हैं लस्सी अड्डा के अंदर। मैं थोड़ा अपना मास्क फिलहाल नीचे कर देता हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हम अभी बुलाएंगे अभी पंकज भैया को। तो पंकज भैया आइए, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। हेलो। सो गाइस, ये हैं हमारे पंकज भैया। तो लस्सी अड्डा तो सब जानते हैं बहुत फेमस है, तो ये नया ब्रांच है। कब खुला ये नया ब्रांच? ये 1 तारीख को, ये 1 जनवरी को आसपास खुला है। और यहाँ का कुछ फैसिलिटीज़ बताइए लस्सी अड्डा का। यहाँ का सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत आप मास्क नीचे कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ का एम्बियंट बड़ा आपको एक अच्छा लगेगा जी। अगर आप फैमिली वगैरह के साथ आते हैं तो यहाँ पे बैठ के इन्जॉय कर सकते हैं। प्लस यहाँ का जो डेकोरेशन ऐसा किया गया है कि थोड़ा इंटायर डेकोरेशन वगैरह आपको थोड़ा हटके लगेगा जी। तो इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल डिज़ाइन भी करवाया। और मतलब यहाँ पे मतलब बर्थडे वगैरह सब सेलिब्रेट हो सकता है। हाँ, बर्थडे का भी, जैसे कि अगर आप लोग 8-10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, तो यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ लस्सी अड्डा में इतना सारा फैसिलिटीज़ मिल रहा है, आपका अगर बर्थडे तो आप यहाँ पे आके एक बार ज़रूर से ज़रूर सेलिब्रेट करना। तो आप बताइए मेरे को कि यहाँ का कुछ फेमस फूड्स जो मैं आप मुझे ट्राई करवाओ और मेरे को बहुत अच्छा लगे। अभी हमारा चीज़ बर्गर, हाँ, जो कि बहुत लोगों ने अभी मतलब टेस्ट किया है, परचेज किया है जी। और उन लोग का फीडबैक बहुत अच्छा है जी। और हम लोग उसको स्पेशल लाइक कस्टमर को थोड़ा सा जो है एक अच्छी ड्रेसिंग के साथ जी, एक अच्छे हॉट एंड क्रिस्प पैटीज के साथ सर्व कर रहे हैं जी। तो सारे कस्टमर्स को भी अच्छा लग रहा है और हम लोग का कोशिश है कि मतलब और जो भी कस्टमर आए हैं सबको अच्छा लगे। ये तो सिर्फ अभी बर्गर हो गया, बर्गर और कुछ आप बताइए। ड्रिंक में हमारे पास जैसा कि आपका लस्सी अड्डा तो ये फेमस है, फेमस आपका है। ड्रिंक स्पेशलिस्ट है जी, हमारे पास मोर देन 100 ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। सो गाइस, आप सोचिए मोर देन 100 ड्रिंक्स, मोर देन 100। तो उसमें अभी हमारे पास अभी शेक अगर आप चेक करेंगे तो उसमें ओरियो शेक इज़ वेरी गुड। ओरियो शेक पहला बहुत अच्छा है जी। देन मॉकटेल वगैरह भी हमारे पास है, मोजिटो, ब्लू लाइम, ये सब सारा आपको एक अलग ही टेस्ट देगा, रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। अगर आप बर्गर फ्रेंच फ्राइज के साथ इसको लेते हैं तो तब तो और ज़्यादा अलग और भी ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेगा जी। तो फ्रेंच फ्राइज भी हमारा जो है गोल्डन क्राउन क्रिस्प आपको मिलेगा, और जगह से थोड़ा अच्छा ही मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हॉट एंड फ्रेश गोल्डन क्रिस्प। तो यहाँ पे गाइस जितना भी आपको मिले तो यहाँ पे तो सब कुछ फ्रेश मिलता है। अभी मैं अभी आपको खा के बताऊंगा कि कैसा है। तो अभी हम पहला चीज आप क्या यहाँ पे आपको बैठने का बहुत ही अच्छा एक बैठने का तो बहुत ज्यादा है। आप अगर 10-12 लोगों के साथ आ सकते हो तो आराम से आप बैठ सकते हो, कंफर्टेबल पूरा। तो आप लोग फोटो भी शूट कर सकते हो, फोटो आराम से ले सकते हो। बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बाहर का भी लाइटिंग वगैरह, और बाहर का आपको मैं फोटो दिखा दूंगा, आपको थोड़ा कॉर्नर में मिल जाएगा फोटो का। तो आप मेरे को पहला चीज़ क्या ट्राई करवाना चाह रहे हो? आपको मैं बर्गर ही स्टार्ट कराता हूँ पहले। तो मुझे अभी पहला चीज़ है बर्गर मिल रहा है, तो अभी मैं खाता हूँ और मैं आपको खा के बताता हूँ कि वो कैसा है। थैंक यू। तो गाइज, यहाँ पे हमारा पहला डबल चीज़ बर्गर आ गया है। तो यहाँ का आप रैपिंग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा गर्म है और रैप भी इन्होंने बहुत अच्छा करके दिया, तो मुझे ये बहुत अच्छा पसंद आया। तो ये रहा ये बर्गर, आप चीज़ देख सकते हो गाइज, इतना ज़्यादा चीज़ है कि हाँ इसका रैप में लग गया भाई साहब। और ये सॉस के साथ है, तो अभी हम इसको खाते हैं। तो इसका ब्रेड तो काफ़ी ज़्यादा छूने से ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसके अंदर बहुत सारे वेजीज है, चीज़ है, अनियन है, टमाटो है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम खाते हैं, सॉस देते हैं। ये बहुत ज़्यादा यम है, इसका जो प्लेटर है ना काफ़ी ज़्यादा मस्त है, काफ़ी ज़्यादा। तो ये प्लेटर में शायद आलू टिक गए हैं,
तो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर डबल चीज़ है और चीज़ इतना ज़्यादा मस्त इसका टेस्ट आ रहा है ना, क्या ही बताएं। 10 में से भाई कितना देना चाहोगे स्टार? 10 में तो भाई ऑनेस्ट रिव्यू है, 10 में से तो बहुत 10 ही देंगे। ऐसा नहीं है कि 100 पे तो इसीलिए है। नहीं 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 नहीं, 10 में 10 ही देंगे, प्रमोशन में ये बात नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू मैं दे रहा हूँ तो इसको मैं तो 10 में 10 ही दूंगा। आप ज़रूर से ज़रूर आना यहाँ पे, ये डबल चीज़ बर्गर को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना लस्सी अड्डा में। तो अभी इसको पूरा फिनिश करते हैं। ये जूलन ट्राई कीजिए इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री। तो अंकल ने मुझे अपनी तरफ से ये ब्लू लाइन दिया, देख सकते हैं आप आइस, ठंडी में ठंडी में ठंडी मेरा तो नहीं, तभी गाइस पी के बताते हैं। यार काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा, और ये बर्गर के साथ खा रहे तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। मुझे तो मन कर रहा है मैं इसको छोड़ दूँ और ये पी लूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, लेकिन मैं दोनों खाऊँगा। तो खाते हैं, अब खाने के बाद मिलेंगे। तब यहाँ की एक और ज़्यादा बहुत बड़ी खास बात है, यहाँ पे ना हर वीक में आपको नए नए ऑफर मिलते हैं। तो हम अभी पंकज भैया से पूछ के आपको बताते हैं कि यहाँ पे किस किस टाइप के आपको ऑफर मिलेंगे। तो पंकज भैया आप बताइए। हमारे पास मतलब ऑफर्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। जो कस्टमर लोग कैसे जानेंगे कि आपका ऑफर है? वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे। तो गाइस मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, देख लीजिए आप लोग, वहाँ पे इंस्टा आईडी है। जैसे पिछले संडे को 2 से 3 दिन के लिए हम लोगों ने रखा था ऑफर, लाइक अगर आप 2 चीज़ बर्गर लेते हैं तो एक आपका चीज़ बर्गर फ्री मिल रहा था। गाइस सोचिए 2 चीज़ बर्गर के साथ एक फ्री और चीज़ बर्गर भाई। और उसके बाद फिर जैसे अभी आप 1 चीज़ बर्गर अगर आप करते हैं परचेज तो आपको एक ब्लू लाइन सोडा या हॉट चॉकलेट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा था। ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि आप लोग जो भी सेकेंड डोज ले चुके हैं, अपना कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए था, जो सिर्फ जो गाइस जो वैक्सीनेटेड है उनके लिए वो था। तो आगे भी ऑफर आप लाइए, आप अभी और भी आगे ऑफर हम लोग सोच रहे हैं, सो देट आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने पे बेनिफिट हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका कुछ सेविंग भी हो जाए, इकोनॉमिकल लाइफ हम लोग सेविंग कुछ आप लोग करने में, सब लोग गाइस अपने सेविंग्स में तो बहुत ध्यान देते हैं। तो लस्सी अड्डा आओ एक बार यार। तो मैं आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप फॉलो कर लेना एक बार और नए नए ऑफर्स के बारे में जानते रहना। वैसे यहाँ का मेन्यू तो आप लोग पॉज करके देख लेना, क्योंकि उसमें इतना टाइम लगाना नहीं है ना, इसीलिए हम ऐसे करके रोक देना, पॉज कर लीजिएगा। अभी तो मैंने बर्गर खाया तो उसका प्राइस तो 95 था, तो मुझे तो भैया ने ये फ्री में दिया है तो थैंक यू भैया फॉर दिस, लेकिन तब भी मैं इसका प्राइस आना चाहूँगा। इसका प्राइस 60 रुपीज़ है। तो गाइस इतना ज़्यादा रिफ्रेशमेंट देने वाला चीज़ आपको सिर्फ 60 रुपीज़ में मिल रहा है, अब क्या चाहिए यार, आओ लस्सी अड्डा और टूट पड़ो। आपके लिए एक और बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी है, और आप अगर लस्सी अड्डा है और आप मेरे चैनल के थ्रू आ रहे हो, अगर आप पंकज भैया को बोलोगे कि हम आर्यनस वाल ब्लॉग्स के चैनल के थ्रू आ रहे हैं, अगर आप 300 का ऑर्डर किए तो आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके 300 वाले। आर्यन जी ने बताया तो अगर आप इन लोग के ब्लॉग के थ्रू आते हैं हमारे पास तो आप 300 का परचेज करेंगे तो 10% आप लोग को ऑफ दिया जाएगा, ऑफ मिलेगा टिल दिस जनवरी, आप 31 जनवरी तक आ सकते हैं, आप लोग का वेलकम है। सो गाइज इस जनवरी तक आओ और लुट जाओ, वहाँ पे आप हमारे सारे फूड और फूड वगैरह जो भी है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप ऑर्डर कर सकते हो थ्रू जोमेटो और ऑनलाइन। बड़ा कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो बर्थडे पार्टी वगैरह तो उसके लिए एडवांस हमें से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, उसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके। तो जैसे बर्गर वगैरह अगर कुछ बल्क ऑर्डर में लाइक 50-100 और पार्टी वगैरह के लिए आप लोग लेते हो फ्रेंच फ्राइज वगैरह तो वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे उस हिसाब, मतलब अकॉर्डिंगली आपको कॉल करना होगा थोड़ा सा टाइम पहले। सो गाइज हमारे सामने है सिजलिंग ब्राउनी, तो इसमें तो आइसक्रीम है, फिर चॉकलेट्स है और केक्स है, फिर आइसक्रीम का ये है, फिर किशमिश है, फिर काजू है, तो और ये सब चॉकलेट्स है चॉकलेट्स। तो अभी इसको खाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, डायरेक्ट मुंह में मत डालना गाइस, मैंने डाल दिया नहीं, मेरा जला नहीं, मैं बच गया, मैंने थोड़ा सा डाला था। क्या टेस्ट आ रहा है यार,
आ रहा है। तो अभी बीएमपी भाई को भी खिलाते हैं और उनसे रिव्यू लेते हैं धीरे धीरे। दस दस तो बीएमपी भाई के जाते ही देखे दस में से दस दे दिया। तो ये पहले अब आइसक्रीम के साथ खाते हैं इसको, ये गर्म है तो ठंडी में खाने का मजा ही कुछ अलग आ रहा होगा। बहुत ज्यादा मौज कर दी भाई तुम भाई रियली। तो अभी पूरा इसको फिनिश करते हैं। तो ये चॉकलेट वाले इसके साथ चॉकलेट खाते हैं भाई। ठंडा और गर्म का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, मजा आया। ठंडा और गर्म कॉम्बिनेशन अच्छा होता भी है। ये तू भी ट्राई कर कैसा लगा। बीएमपी भाई को भी बहुत ज्यादा पसंद आया। तो बाहर तो ज्यादा खाते नहीं, जब खाते तो अच्छा लगता। हाँ अभी इसको फिनिश कर रहे हैं। ओ सॉरी गाइस, जैसे आप सोच रहे होंगे कि हम चिकन सूप पी रहे हैं लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। तो अभी हम खा रहे हैं चीज़ मैगी। तो ये देखिए नॉर्मल मैगी है और ये ऊपर से इसका चीज़ डाला हुआ है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लो ताकि अच्छे से टेस्ट आए। तो ये हमारा थर्ड और लास्ट फूड है क्योंकि भाई पेट भी भर चुका है। इसको भी टेस्ट करते हैं। मैगी तो नॉर्मल है गाइस, चीज़ का भी वही है। इसमें आपको ज़्यादा मीठा देखने को मिलेगा, मीठा थोड़ा हो गया, टोमेटो सूप ज़्यादा थोड़े आ गया है, सॉस जो आप बोल सकते हो। तो अभी बीएमपी भाई को भी टेस्ट करवाते हैं। नो आई एम डाइट। एक 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 ले ले। तो वो तो मना कर रहे हैं तो मैं ही खाना पड़ूंगा। ये जो मैगी है स्पाइसी, ये मैगी हमारा स्पाइसी है और इसमें मैगी के साथ कुछ स्पाइसी स्टफ जो है मिक्स है, लाइक गार्लिक अनियंस के कटिंग और कुछ पेस्ट आते हैं। सो दैट मतलब पेस्ट से मिक्सअप करके जो है मिक्सी में आप करके मैगी को और थोड़ा टेस्ट को निखारते हैं आपको मैक्सिमाइज कर देता। तो गाइस हम लोगों ने तीन चीज़ ट्राई किया और तीनों का टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो पहला चीज़ हमने खाया चीज़ बगा, तो उसका दाम था 95 और कॉम्प्लीमेंट में ड्रिंक लिया था तो उसका था 65। फिर हमने खाया सिजलिंग ब्राउनी तो उसका प्राइस था 135। फिर हमने लास्ट में वेज चीज़ मैगी खाया तो उसका दाम था 65। तो अभी तो हम लोग लास्ट में कॉफ़ी ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ का सजेशन देना चाहता हूँ। आप थोड़ा अपना डाइनिंग एरिया और यहाँ पे एक टीवी लगा दो देना तो मतलब और अच्छा रहेगा, काफ़ी लोग बैठ पाएंगे और आराम से चिल मार के आराम से ये अपना टीवी देख सकते हैं। तो भाई 10 में से कितना देना चाहोगे इस रेस्टोरेंट को जो कि नया खुला है। और अगर जो मैंने इनको सजेशन दिया और वो अगर अच्छे से हो जाता तो भाई 10 out of 10 है ये रेस्टोरेंट का। तो आप कुछ अब लास्टली कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा तो हम लोग भी इसके ऊपर वी आर वर्किंग अपॉन इट। हम लोग भी यहाँ पे एक और वी टेबल लगाने वाले हैं सो दैट अभी तो चूँकि कोरोना वगैरह है तो उस हिसाब से इन लोगों ने इस हिसाब से अभी यहाँ पे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए भी कम रखा है। तो आगे भी कुछ दिन में जैसे ही ये सोशल डिस्टेंस मतलब जो भी कोविड खत्म होगी हमारा अपना एक मतलब हमारा प्लानिंग है हमारा एक, तो हम लोग इसको अभी एक टेबल और भी बढ़ाएंगे सो दैट हमारे पास कस्टमर ज़्यादा बैठ जाए। और प्लेटफॉर्म हमारा ऑनलाइन भी ऑर्डर है, टेक अवे भी हम लोग फैसिलिटी रखेंगे सो दैट अगर किसी को जल्दी में है कोई नहीं बैठ पाएंगे तो अपना डायरेक्ट आएंगे ऑर्डर करेंगे और टेक अवे। तो और आपने तो बीच में देखा भी होगा अगर आप मेरे चैनल का नाम लेके और अगर 300 रुपये के ऊपर ऑर्डर दिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर विजिट करना द बेस्ट न्यू लस्सी अड्डा में। और भैया थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। थैंक यू भैया। इनका बिहेवियर और यहाँ के सभी शेफ का बिहेवियर तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बिहेवियर पोलाइट बिहेवियर था, उसका कोई टेंशन नहीं है। कि आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि ओनर लोग का भी बिहेवियर ख़राब होता है लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा है। और ये है पंकज भैया जैसे कि आप जानते हैं। तो सो गाइस अगर आपको यहाँ का रिव्यू और खाना का जो मैं खाया हूँ वो अगर आपको पसंद आया और यहाँ पे आप आके मेरा कोड अप्लाई करना और 300 के ऊपर डिस्काउंट पा लेना। तो गाइज अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे।